Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we do brain teaser of chapter number 4, ratio, proportion and unitary method, and it's question number 8. Question number 8 is, cost of 5 pizzas is ₹725. यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी लाइन रह गई है तो मैंने इसको ऊपर लिखा है. एंड 6 पेस्ट्रीज इज ₹210. If I want to purchase 3 pizzas and 12 pastries, how many should I pay? देखिए क्या है यहाँ पर, अब दो चीज़ें हैं हमारे पास. देखिए क्या है, कॉस्ट ऑफ 5 पिज़्ज़ाज. आपको एक तो बताया गया है कि जो 5 पिज़्ज़ाज हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, ₹725. एक तो ये है, एक चीज़ तो पिज़्ज़ाज हो गए, और दूसरी चीज़ क्या है, 6 पेस्ट्रीज उनकी कॉस्ट कितनी है, ₹210. ठीक है, इफ़ आई वॉन्ट टू परचेज 3 पिज़्ज़ाज, मुझे 3 पिज़्ज़ाज लेने हैं एंड 12 पेस्ट्रीज लेनी है. ठीक है, हाउ शुड आई पे. मीन्स अब ये थोड़ा सा हमारा अलग क्वेश्चन आया है. अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग है. हम देखो इसको कैसे करेंगे. हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन. तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले मुझे देखिए, मैं सिर्फ एक तो मैं पिज़्ज़ाज का क्वेश्चन अलग कर लेती हूँ और एक पेस्ट्रीज़ का अलग से कर लेते हैं. ठीक है, और फिर हम दोनों को ऐड करके बता देंगे कि कितना आंसर आएगा. ठीक है, तो हम पहले पिज़्ज़ा का करेंगे. मीन्स हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 पिज़्ज़ाज इज इक्वल टू ₹725. ठीक है, मैं सिर्फ पिज़्ज़ा वाला क्वेश्चन कर रही हूँ. मीन्स मान लीजिए मुझे पेस्ट्रीज दी ही नहीं गई है, मैं इसको यहाँ से छुपा देती कि मुझे पेस्ट्रीज दी ही नहीं गई. ठीक है, मुझे दिया गया कॉस्ट ऑफ 5 पिज़्ज़ा इज ₹725. अभी उन्होंने बोला इफ़ आई वॉन्ट टू परचेज 3 पिज़्ज़ाज, मीन्स मैं सिर्फ 3 पिज़्ज़ाज, मैंने यहाँ से ये भी छुपा दिया है. ठीक है, मैंने ये भी छुपा दिया. सिर्फ अगर मैं ये इतना क्वेश्चन करूँ, कॉस्ट ऑफ 5 पिज़्ज़ाज इज ₹725, इफ़ आई वॉन्ट टू परचेज 3 पिज़्ज़ाज, अगर मैं 3 पिज़्ज़ाज परचेज करूँ तो वो कितने की होंगी. ठीक है, 5 पिज़्ज़ाज, 3 पिज़्ज़ाज, पिज़्ज़ाज दो बार आए हैं तो मैंने पिज़्ज़ाज लेफ्ट में लिखे हैं. कॉस्ट ऑफ 5 पिज़्ज़ाज इज ₹725. कॉस्ट ऑफ 1 पिज़्ज़ा, अगर मैं सिर्फ एक लूँ तो एक तो कम रुपीज़ का आएगा, मीन्स 725 एंड डिवाइडेड बाई 5. तो हम 725 को 5 से डिवाइड कर लेंगे. 5 1s are 5, 5 4s are 20, 5 5s are 25. ठीक है, मीन्स ये हमारा आएगा 145 का. ठीक है, ₹145. अब मुझे बताना है कॉस्ट ऑफ 3 पिज़्ज़ाज, क्योंकि उसने बोला 3 पिज़्ज़ाज कितने हैं, 3 पिज़्ज़ाज कितने के आएंगे, मुझे ये चेक करना है. तो ये एक पिज़्ज़ा तो आता है 145 का, तो 3 तो ज़्यादा के आएंगे, तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 145 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 5s are 15, 3 4s are 12 एंड 113, 3 1s are 3 and 4. ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है 435 rupees. ठीक है, अब ये तो हो गया पिज़्ज़ा का. अब दूसरी चीज़ क्या है, पेस्ट्रीज़ हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, पेस्ट्रीज़ हैं. अब मैं थोड़ा सा इसको, ये सिर्फ ये पेंसिल ले रखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर. ठीक है, या ये सिर्फ आपको ये है कि बच्चे को फर्स्ट टाइम क्वेश्चन इतना अच्छे से समझ आ जाए कि बाद में से चाहे उसको स्टेटमेंट कंप्लीट भी दिख रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं है. 6 पेस्ट्रीज इज़ ₹210. अगर आप 6 पेस्ट्रीज लेते हो वो 210 की आती हैं, और अब उसने कितनी ली हैं, 12 पेस्ट्रीज, तो मुझे देखना पड़ेगा कि 12 कितने की आएंगी. तो पेस्ट्रीज पेस्ट्रीज दो बार आया तो मुझे यहाँ पर मैं पेस्ट्रीज के लिए लिखूँगी. ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी कॉस्ट ऑफ, ऊपर से कितनी है, 6 पेस्ट्रीज, वो कितनी है, ₹210. ठीक है, अब मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ कॉस्ट ऑफ 1 पेस्ट्री, तो कितना आएगा, 210 एंड डिवाइडेड बाय, एक तो पेस्ट्री कम की आएगी तो उसके लिए तो डिवाइड करना पड़ेगा. अब इसको आप कैंसिल कर लो, मुझे पता है 6 और 21 3 की टेबल में आते हैं, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 0 as it is. 2 से इसको कैंसिल करो, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10. ठीक है, डिवाइड करके देख लेना अगर नहीं होता है आपसे ऐसे तो. मैंने यहाँ से, वैसे भी हमें पता 70 का हाफ 35 ही होता है, तो 1 पेस्ट्री तो आई है 35 की, और मुझे बताना है कि 12 पेस्ट्रीज कितनी की है. तो हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 12 पेस्ट्रीज,
ठीक है। अब एक पेस्ट्री तो आई है 35 की, तो 12 पेस्ट्रीज तो ज़्यादा की आएंगी, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 5 60, 12 3 36 एंड 642, तो यहाँ से आ रहा है 420, ठीक है। तो हमारी 12 पेस्ट्रीज कितने की आई है, 420। अब आप देखें एक बार दोबारा से स्टेटमेंट देखें। हाँ जी, अब देखो क्या था, इफ़ आई वॉन्ट टू परचेज 3 पिज़्ज़ाज एंड 12 पेस्ट्रीज, तो 3 पिज़्ज़ाज तो हैं 435 के एंड 12 पेस्ट्रीज आई हैं 420 की, हाउ मच शुड आई पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर टोटल कॉस्ट ऑफ, क्या क्या लिया है उसने, 3 पिज़्ज़ाज लिए हैं, 3 पिज़्ज़ाज एंड 12 पेस्ट्रीज, ठीक है। तो वो कितने के आएंगे, अब 3 पिज़्ज़ाज तो आए हैं 435 के और 12 पेस्ट्रीज आई हैं 420 की। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 435 और 420 को ऐड करेंगे तो 5 3 + 2 5 एंड 4 एंड 4 8, 855 रुपी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।